What's up all you beautiful people, welcome back to my channel. Mera naam hai Dil and how are you? Last week jab maine video upload kiya tha to one of my subscriber told me to explore Elephanta Caves, so I am here. To dekhte hain Elephanta Caves mein kya kya hai. Main apna intro wahan shoot nahi kar paya kyunki bahut dhoop thi, so isliye main Elephanta Caves mein aakar hi apna video shoot kar raha hu. So aapko journey start se dikhata hu, from Gateway of India to Elephanta Caves. Here we go. Finally guys, we are at Elephanta Caves. एक घंटे का सफ़र था फेरी से, एंड विच कॉस्टेड अराउंड 200 रुपीज़ पर हेड रिटर्न टिकट. तो आप इसी फेरी से रिटर्न जा सकते हो 200 रुपीज़ में, एंड इट टेक्स वन आवर फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू रीच एलिफेंटा केव्स. सो अभी हम लोग एलिफेंटा केव्स में है, एंड यहाँ से आप टॉय ट्रेन ले सकते हो जिसका चार्जेस 10 रुपीज़ है. टोटल है 7 केव्स, आउट ऑफ विच 5 केव्स आर हिंदू केव्स एंड 2 आर बुद्धिस्ट केव्स. 2 केव्स बंद हो चुके हैं बुद्धिस्ट केव्स जो है, 5 केव्स जो है जो हिंदू केव्स है वो अभी खुले हैं, बट अंदर ऐसा कुछ नहीं है. शिवलिंग है एंड मूर्तिज है, बट बहुत डैमेज्ड है. गाइस यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है कैनरी केव्स की जैसा, बट मैंने ट्राई किया जितना हो सके उतना शूट करूँगा, एंड मैंने पिक्स निकाला है. पिक्स फोटोग्राफी अलाउड है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है. तो पिक्स निकाला है एंड जितने हो सके वीडियो डालूँगा एंड बाकी सारे पिक्स डालूँगा.
एलिफेंटा केव्स आना है गाइस, तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लेना होता है विच कॉस्ट यू अराउंड 200 rupees फॉर रिटर्न टिकट। ये फेरी सर्विस मॉर्निंग 9 to 5 होता है, शाम को 5 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हो, पर यहाँ से आप अगर 5 बजे जाओगे आपको 5:45 का लास्ट फेरी एलिफेंटा से मिलता है, तो शाम को आके कोई मतलब नहीं है गाइस। अगर आपको आना है तो सुबह जल्दी आइएगा, इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिएगा। दोपहर को बहुत ज़्यादा धूप है, अभी अराउंड वन ओ क्लॉक हो रहा है एंड इतनी धूप है यहाँ पे गाइस। एक बंदे का एलिफेंटा केव्स में आना जाना वुड कॉस्ट यू अराउंड 250 rupees। कैसे आपको बताता हूँ, 200 rupees फेरी चार्जेस, अगर आपको ऊपर डेक पे जाना है तो 10 rupees एक्स्ट्रा, 210। एंड देन आप जब एलिफेंटा में एंटर करते हो तो मिनी ट्रेन है तो उसको उसका चार्जेस 10 rupees है, वो ऑप्शनल है, अगर आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। देन वहाँ से जब आप एलिफेंटा में एंटर करते हो, मिनी ट्रेन से उतरने के बाद में एलिफेंटा में जब एंटर करते हो, ग्राम पंचायत का जो चार्जेस है वो 5 rupees है। देन वहाँ से आप ऊपर आते हो एंड 30 rupees इज़ एक्चुअली एलिफेंटा केव्स का चार्जेस, सो टोटल हो जाता है 255 rupees। उसमें से 20 rupees ऑप्शनल है, जैसे आप बोट में ऊपर, अगर फेरी में आपको ऊपर नहीं बैठना है तो वो 10 rupees बच जाएगा आपका एंड 10 rupees बच जाएगा ट्रेन का। अभी यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। ऊपर मैंने सुना है कि इंटरेस्टिंग सा एक बड़ा सा तोप है, तो लेट्स सी उसको देखते जाके। तो एक्सप्लोर कर लिया गाइस, अब वापस जाने का टाइम आ गया है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिलो। एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे संजय गांधी नेशनल पार्क के, तो वो आई बटन में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अभी आएगा, क्लिक कीजिएगा यहाँ या तो यहाँ, दो में से एक जगह पर आता है, तो आप क्लिक कर सकते हो और मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे, मैं और नए वीडियोस लाता रहूँगा। एंड अगर आप चाहते हो मैं किसी चीज़ का वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जैसे राहुल ने मुझे बताया था लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया था, राहुल ने कमेंट में बताया था कि ही वांट्स मी टू एक्सप्लोर एलिफेंटा केव्स, सो मैं आ गया एलिफेंटा केव्स। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई जगह एक्सप्लोर करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर, सी या, टाटा एंड मचाते रहो।